क्रिकेट लीग टू के आखिरी दिन, जी हाँ आज आखिरी डे था और आखिरी मैच था इस पूरी सीरीज का, राउंड सिक्स का आज लास्ट मैच था और आज के दिन जाके ये कंफर्म हुआ है, पता चला है कि इस राउंड में सबसे बेहतरीन टीम आखिर कौन सी रही है, जी हाँ सबसे टॉप परफॉर्मिंग टीम आखिर कौन सी रही है। नो डाउट वो आज के मैच की विनर ओमान रही है। जी हाँ ओमान ने 4 मैच में 3 जीत के साथ राउंड 6 का ये पूरा का पूरा दौर आज कंप्लीट किया, बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर मात दी है यूएसए को चौथे मैच में इस राउंड 6 के। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कहना होगा कि ओमान टीम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो वापसी की है, कहना होगा बहुत गलतियों को सुधारा है, बैट्समैन कुछ बाहर आए कुछ अंदर गए, इन आउट हुए हैं और ओपनिंग चेंज हुई है आज, शोएब खान को बाहर करके पृथ्वी कुमार को खिलाया और वो भी बिल्कुल और काम किया है, वो भी उन्होंने भी बेहतरीन बैटिंग करी। पर फिलहाल ओमान ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है बात करें अगर आज के मैच। जी हाँ उनके उनके अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, चाहे ओपनर्स की बात करें, हर तरफ से लगभग हर बैट्समैन ने योद्धादरी कोशिश की है और इसी वजह से इस राउंड 6 का सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर कोई टीम देने में कामयाब हुई है तो वो ओमान ही है। जानते हैं कौन कौन से प्लेयर्स ने योगदान दिया और किस तरह से 275 के स्कोर तक, 270 प्लस के स्कोर तक ओमान आज पहुंची। बिल्कुल, और बहुत फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत शानदार पावर प्ले में विकेट गिरा नहीं, पावर प्ले में भी विदाउट विकेट गया, विकेटलेस गया, बिल्कुल बहुत ही शानदार पावर प्ले गया ओमान के लिए और कहीं ना कहीं यूएसए के लिए बहुत ही ऑब्वियसली खराब गया है। जतिंदर सिंह, पृथ्वी कुमार ने शुरुआत अच्छी दी थी पर उसके बाद तुरंत ही पावर प्ले के बाद ही पृथ्वी कुमार आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जो थी वो 10 ओवर में ओमान टीम को मिल गई थी तकरीबन शुरू के 10 ओवर की अगर हम बात करें। जी हाँ उसके बाद भी, जी हाँ उसके बावजूद भी ये स्कोर रन करने का सिलसिला है वो ओमान का थमा नहीं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने अपना मोर्चा संभाला और एक के बाद एक 3-4 प्लेयर्स ने लगातार अच्छी इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को उस स्कोर तक पहुंचाया। बिल्कुल, और जिशान मकसूद, जी हाँ कप्तान ने बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट से आज बैटिंग की है, 53 रन मारे हैं उन्होंने, 53 बॉले ली है, तो 100 का स्ट्राइक है। बिल्कुल यही तो सबसे बड़ी बात है, जो 11 से 40 ओवर में जो बैटिंग होती है वो वहां की बहुत स्लो नजर आती है, लेकिन आज ये ऐसा बिल्कुल उलट, बिल्कुल एकदम अलग ही डिफरेंट वे में गया है, बहुत जबरदस्त बैटिंग हुई है। अगर आप बात करें संदीप गौर, सूरज कुमार की, अगर हम बात करें नसीम खुशी, 35 रन मारे हैं उन्होंने 22 बॉल में, ये सब जो दिक्कतें आती हैं 11 से 40 ओवर में जहां स्कोरिंग नहीं बनता ओमान टीम से कहें तो बहुत स्लो खेलती हुई नजर आती है। यूएसए के बॉलर्स को वहां भी ओमान ने टिकने नहीं दिया, ज्यादा पैर पसारने नहीं दिए अपने उस 11 से 40 ओवर के बीच में, काफी ज्यादा 150 तकरीबन रन आज ओमान ने बनाए हैं उस बीच में, बहुत जबरदस्त बैटिंग हुई है। जी हाँ तो जबरदस्त बैटिंग की बदौलत ही आज ये ओमान इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए और इस राउंड 6 का सबसे बड़ा स्कोर भी 274, ये सबसे बड़ा स्कोर है राउंड 6 का किसी भी टीम के द्वारा जो कि आज ओमान ने खड़ा किया है और ये ना स्कोर भी ओमान के नाम रहा। बॉलिंग बहुत ही एवरेज रही है, जी हाँ बहुत ही बिलो एवरेज बॉलिंग रही है यूएसए की, उसमें खाद को जैसा बताने की रही है, फिर भी अगर एक ऐसा बॉलर आपको पिक करना हो जिसने इस बीच में भी बेहतरीन बॉलिंग करा के निकल चुके निकल ये नॉस्तुश, जी हाँ नॉस्तुश ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 10 ओवर में 49 रन दिए हैं और 3 विकेट निकाले हैं, और देखने वाली बात यही है कि यूएसए ने जितने भी विकेट निकाले हैं सातों के साथ वो स्पिनर्स के हैं, तो मीडियम पेसर बिल्कुल आज फ्लॉप नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं कहना होगा कि यूएसए के बैटिंग के सामने जतिंदर सिंह, जिशान मकसूद, नसीम खुशी, संदीप गौर, इन सबके सामने फीके नजर आए आज यूएसए के बॉलर्स, ओमान ने कर दिया ऐसा जबरदस्त वापसी ओमान की बेहतरीन। जी हाँ पिछले मैच में जो बुरी हार उनको मिली थी उसके बाद उन्होंने काफी चीजें सुधार की हैं अपने बैटिंग इंटेंट में भी और स्कोरिंग रेट में भी और जो क्लियर नजर आया यूएसए के खिलाफ चलिए, और उसके बाद इन्होंने इस इनिंग को बिल्डअप किया और 274 का स्कोर सामने खड़ा कर दिया। इतना आसान नहीं था, जी हाँ 274 कहाँ, यहाँ पे तो 240 अगर आप पहुंच जाते तो एक बेहतरीन स्कोर होता है, एवरेज स्कोर, जैसे कि हमने पूरी शुरुआत सीरीज में देखा सारे मैच लगभग लो स्कोरिंग हुए, ये पहला ही मैच है जो इतनी ऊपर इतना ज्यादा स्कोर तक गया, अगर हम पीएनजी वाले मैच को छोड़ दें क्योंकि हम वर्ल्ड लीग टू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस सीरीज में ये सबसे हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन चेस करने के लिए जब यूएसए उतरी ऐसा नहीं था कि उनके पास प्लेयर नहीं थे, जी हाँ 2 शतक वीर उनके पास ऑलरेडी मौजूद थे, जो अभी हाल फिलहाल ही जिन्होंने अपने देश के लिए सेंचुरी मारी थी, एक स्टीवन टेलर थे जो अभी हाल फिलहाल 23 50 खेल के आए थे नेपाल की तरफ से, लेकिन आज
कोई भी काम नहीं आया और पूरी तरह से यूएसए ढह गई। इसमें सबसे बेहतरीन योगदान किसका रहा, किस बॉलिंग अटैक का रहा, कौन से बॉलर्स का रहा, ये तो जरूर जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं यूएसए की बैटिंग का हाल क्या रहा। बिल्कुल, यूएसए की बैटिंग सुपर फ्लॉप, जी हाँ, सुपर फ्लॉप शो देखने की तरफ से आज मिला है यूएसए की तरफ से, और बैटिंग बहुत आज बहुत ही खराब दिन गया है। कहना होगा कि ओमान ने सब कुछ सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक किए हैं, बहुत ही जबरदस्त आज परफॉर्मेंस रहा है ओमान का। बॉलिंग में भी अगर कहें अयान खान, आप खबर अली की बात करें, कलीम उल्ला या बिलाल खान को देखें, जबरदस्त बॉलिंग, अयान खान ने शानदार बॉलिंग करी, चार विकेट निकाले हैं उन्होंने, बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी उनकी, लेट स्पिन हो रही थी जिसे खेलने में दिक्कत आ रही थी बैट्समैन को। और खबर अली, जी हाँ, इतने टाइम बाद आए हैं और ऐसा परफॉर्मेंस, उनके इतना एक्सपीरियंस रखते हैं वो टीम में, तो तीन विकेट निकाले हैं उन्होंने भी। पर यूएसए की बैटिंग बहुत बहुत ही बिलो एवरेज हुई है, 202 पे ऑल आउट होना ये वाकई में चेजेबल कह सकते थे कि टारगेट तो है, इतना भी ज्यादा नहीं था, बिल्कुल इतना ज्यादा टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी यूएसए की तरफ से बहुत ज्यादा। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का सिचुएशन यूएसए ने खुद क्रिएट की, या फिर आप कह सकते हैं कि ओमान के बॉलर्स ने क्रिएट करवाई, क्योंकि 25-30 ओवर तक पूरी तरह से यूएसए इस मैच में था, जी हाँ, पकड़ बनाए हुए था और इस मैच में था, रन रेट भी उनका सही चल रहा था, रिक्वायर्ड रेट भी उनका ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद एक विकेट गिरते ही धड़ाधड़ सारे के सारे विकेट आउट हुए, और एक एक वक्त ऐसा था कि एक ही ओवर में दो दो विकेट गिरने लगे और उसके बाद मैच पूरी तरह से यूएसए के हाथ से निकल गया। तो यहाँ तक ओवरऑल अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ द मैच, अगर आपको चुनना हो एक प्लेयर जिसकी बदौलत ये पूरा का पूरा मैच उनके इर्द गिर्द घुमा है, या फिर उनकी बदौलत ओमानी मैच जीत पाया, वो प्लेयर कौन सा होगा? बिल्कुल, वो होंगे जिशान मकसूर, बिल्कुल होंगे, उन्होंने विकेट भी निकाला है अपनी टीम के लिए, और अयान खान ने भी, नहीं, अयान खान ने भी परफॉर्मेंस किया है, पर मेरे लिए तो जिशान मकसूर होंगे, कैप्टन है वो, 50 जमाई, उन्होंने भी एक विकेट भी निकाला है, तो मैं कहूंगा आज बहुत अच्छा दिन गया है जिशान का, और अयान का भी, अयान की भी तारीफ करनी होगी, पर जिशान थोड़ा स्लाइटली एज ले रहे हैं। जी हाँ, जिशान का थ्रू आउट द सीरीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जिस मैच में ओमान पूरी तरह से ढह गई नेपाल के सामने 121 रन पे, उसमें भी वो हाईएस्ट स्कोरर रहे, तो कप्तानी इनिंग तरफ से लगातार निकल रही है, भले मैच को 1 ओवर 2 हो या 4। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यूएसए की बस मोनांग पटेल ने 50 जमाई है, फिर से वो चले हैं, जबरदस्त बैट्समैन है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल, और नए खिलाए गए थे गजानन सिंह, उन्होंने भी 48 मारे, 50 से चूक गए अपने डेब्यू, 50 से नहीं बना पाए वो 50, लेकिन बहुत अच्छा खेले, दिखा है कि चलिए आने वाले टाइम में शायद इनको और मौके दिए जाए, तो यूएसए की बैटिंग कुछ अच्छी नजर आए, ओवरऑल बहुत अच्छा, इन दो प्लेयर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद चेज हो सकता था, पर ऐसा नहीं है, फैक्ट रियलिटी से बहुत दूर है यूएसए। जी हाँ, तो यूएसए को अभी भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है अपनी टीम में, ओडीआई की टीम में कहीं ना कहीं, और इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू का ये लास्ट मैच था और ये लास्ट एनालिसिस था हमारा इससे रिलेटेड। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो ओमान सबसे बेहतरीन टीम बन के निकली है, जी हाँ, टॉप परफॉर्मिंग टीम बन के निकली है वो, उनके नाम पे हाईएस्ट स्कोर भी रहा है, और बाकी सारी सीरीज से रिलेटेड अपडेट जो है वो कल सुबह 11 बजे वीडियो आएगा हमारा, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। लेकिन अगर वैसे बात करें तो ओमान इस राउंड में सबसे टॉप टीम बन के निकली है, नंबर वन पे ओमान टीम यहाँ पर रहती है, सेकंड नंबर पे नेपाल रहने रहती है, और तीसरे नंबर पर यूएसए रहती है, क्योंकि नेपाल, ओमान ने 3 मैच जीते हैं और नेपाल ने 2 मैच जीते हैं, और यूएसए ने 1 मैच जीता है इस राउंड में। और अगर वैसे हम ओवरऑल भी अगर हम देखें तो ओमान इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने डिफेंड और चेस दोनों करते हुए मैच जीते हैं, इसके अलावा दोनों ही टीमों ने, दोनों टीमों ने नहीं, ये कारनामा नहीं कर पाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि हाँ ओमान नेपाल यूएसए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉइंट में इस तरह से, या फिर आपको लग रहा था कि नहीं कि कोई और टीम बेटर कर सकती थी, 1 नंबर पे और हो सकता था? नहीं यार, मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस बार नेपाल 1 पे हो सकती थी, जो जिस तरीके की नेपाल की जो बैटिंग थी, जिस प्लेयर लेके आए थे वो, जिस क्वालिटी के बॉलर्स थे, जो हमने ट्रांजिशन सीरीज में देखा, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके के बेबाकी लड़के थे, तो कहना कि मुझे उम्मीद थी, लेकिन फिर ये देखने में आया कि जब बड़ा फॉर्मेट आता है, जब बड़ा टिकने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत शुरू हो जाती है टीमों को, तो यहाँ पे ओमान ने अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस दिखाया है, और उम्मीद थी कि नेपाल शायद यहाँ वर्ल्ड पे रहेगा, लेकिन
टू पे है, चलिए कोई बात नहीं, आगे अगर जरूर वन पे मौका मिलेगा तो नेपाल जरूर रहेगा ऐसी उम्मीद है, पर ओमान ने जबरदस्त किया है। जी हाँ, और ओमान के लगातार पॉइंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्होंने अपने जी हाँ वर्ल्ड क्रिकेट लीग की जो कंप्लीट पॉइंट्स टेबल है उसमें नंबर वन पे और अच्छी तरह से उन्होंने काबिज कर लिया है, चार में से तीन मैच जीत लिए, तो आप सोच सकते हैं कि और कितने स्ट्रांग हो गए। आप ये क्या कह रहा जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि उनका एक पाव जो है वो वर्ल्ड कप प्ले ऑफ में ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो बहुत ही क्लोज है प्ले ऑफ खेलने के लिए, उन्हें कम से कम अपनी गद्दी से इतनी आसानी से कोई उतार नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी काफी स्ट्रांग पोजिशन पे है और टॉप परफॉर्मर इस राउंड में भी वो टॉप परफॉर्मर हुए थे। और पिछला राउंड जो हुआ था जब यूएसए नेपाल और ओमान भिड़े थे वो कीर्तिपुर में, वहां पर भी ओमान टॉप परफॉर्मर रही थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि भले आप दरकिनार कर दें लेकिन ये सच्चाई है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये छुपने वाली है नहीं कि ओमान इस राउंड सिक्स में सबसे टॉप टीम बन के निकली है दोबारा। इससे पहले कीर्तिपुर में निकली थी वो नेपाल के घर में जाके उन्होंने टॉप परफॉर्म किया था और इस बार अपने घर में वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं। एट द एंड इस सीरीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक अगर शॉर्ट में कहना चाहें? बिल्कुल, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, बहुत मजा आया, हमने टीमों को देखा जाना कि हमारी पहली सीरीज थी अश्विन, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि ओमान और नेपाल यूएसओ को हमने देखा, प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, इनके की प्लेयर्स कौन कौन से हैं एक्चुअली में, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आने वाले जो और ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा जितना क्लोज आएगा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ओमान नेपाल और यूएसए बहुत बेहतर क्रिकेट खेलेंगे भी और हमें देखने को ही मिले। जी हाँ, डेल क्रिकेट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार बने रहिए यहाँ पे, सारे एशियन क्रिकेट हो, कंप्लीट क्रिकेट कवरेज हो, आपको लगातार यहाँ पे हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सीरीज आज यहाँ खत्म होती है, इसकी सारी एनालिसिस और कवरेज हमने आपको प्रोवाइड कराई है, हमारे एफर्ट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी कई सारी एशियन की सीरीज और क्रिकेट आने वाला है, सारा कुछ अपडेट आपको यहाँ पे लगातार मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, गाइस गुड नाइट।